हेलो, मैं आशीष तिवारी स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल एसएससी मेंट पे। इस चैनल पे गवर्नमेंट जॉब सेट हर एक अपडेट आपको वेदन में दी जाती है, आगे भी दी जाती रहेंगी। यूपी पुलिस में कट ऑफ क्या 235 प्लस जाएगा या और भी ज़्यादा जा सकता है या कितना जाएगा उसके बात करेंगे। सबसे मेन फैक्टर नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है, सबसे बहुत एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, जैसे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। और भर्ती बोर्ड के चेयरमैन ने रिजल्ट के बारे में क्या कहा है उनके बारे में भी बात को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की। तो नॉर्मलाइजेशन कैसा होता है, चूँकि मैंने ये नहीं पता कि भर्ती बोर्ड का टेंडर किसी को था एग्ज़ाम का, लेकिन जैसे क्वेश्चन देखे मैंने, जैसे मैथ्स की क्वेश्चन देखे, तो मुझे मैथ्स की क्वेश्चन से पता चल गया कि ये जो टेंडर था वो TCS को मिला था, क्योंकि TCS ही वैसे क्वेश्चन पूछती थी। SSC का क्वेश्चन ही मैथ का पूछा गया था, मैक्सिमम शिफ्ट में मैक्सिमम क्वेश्चन SSC का क्वेश्चन हुबा उठा के पूछ दिया था। तो उस हिसाब से SSC का जो नॉर्मलाइजेशन होता है, TCS कैसे नॉर्मलाइजेशन करता है, तो नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है वो भी हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे 23 को शिफ्ट हुआ, 24 का हुआ, 25 का हुआ, ठीक है, फिर 30 को हुआ और 31 को हुआ। देखिए, हर शिफ्ट का, जैसे इसमें दो शिफ्ट हुए, इसमें दो शिफ्ट, दो दो शिफ्ट, जो हर एक शिफ्ट है, हर शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर होता है, एवरेज स्कोर के हिसाब से ही आपका जो है वो नॉर्मलाइजेशन का खेल जो है पूरी तरीके से खेला जाता है। सबसे पहले बात करें कि SSC CGL का भी TCS एग्ज़ाम कनेक्ट कराती है, SSC का हर एग्ज़ाम। मैंने 2023 का CGL में देखा था, एक शिफ्ट का पेपर हार्ड आया था तो उस शिफ्ट में लगभग 23 नंबर तक बढ़े थे, लेकिन उन SSC में TCS जैसा करता है कि SSC में जो है आपका नंबर इंक्रीज करेगा, डिक्रीज बहुत रेयर केस में ना के बराबर, यहाँ तक मानिए ना ही होता है, यानी नंबर घटता किसी का नहीं अगर TCS अपने तरीके से नॉर्मलाइजेशन करती है। तो 200 के पेपर में उन्होंने 23 नंबर बढ़ाए थे अगर पेपर अच्छा आया था, तो तीन शिफ्ट में जो है पेपर, ये जो 22, 23, 24, 25 है, इनमें कुछ कुछ नंबर्स बढ़ेंगे, अच्छे खासे नंबर बढ़ेंगे जिस हिसाब से हर शिफ्ट का। मान लीजिए 23 के शिफ्ट में एवरेज स्कोर कम आ रहा है, 24 के शिफ्ट में किसी में कम आ रहा है, जिस में कम आएगा और जिसमें ज़्यादा आएगा, नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है बराबर करना, दोनों को बराबर करने के लिए वो कम ज़्यादा वो करना ही है उनको, तो वैसा ही काम करेगा। तो होप करेंगे कि इसी के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन आपका होता रहेगा और ज़्यादा नंबर घटने वाले ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगे, जैसा कि TCS करता है। नंबर बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे, जिसके शिफ्ट हार्ड आया था, जिसका थोड़ा कम हार्ड आया था उससे थोड़ा कम नंबर बढ़ते हैं, 4-5 नंबर ऐसा हो बढ़ेंगे जिनके कम हार्ड थे, ये सारी चीज़ें होंगे। और कट ऑफ डिसाइड की बात करेंगे तो कट ऑफ डिसाइड भी एवरेज स्कोर के आधार पर ही होता है, ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही कुछ भी बोल देंगे कि कट ऑफ इतना गया इतना गया, तो एक प्रेडिक्शन है, ऐसे लोग नॉर्मली बोल दे रहे हैं कि इतना जाएगा, 235, 240, 245 जाएगा। कट ऑफ का डिसाइड का सबसे बड़ा फैक्टर है कि आपका एवरेज स्कोर। बात करें, मैं अभी तक जितना जानता हूँ कि SSC के फील्ड में जो RBE वाले जो शुभम जैनसर हैं, वो एवरेज स्कोर के हिसाब से कट ऑफ काफ़ी अच्छा प्रेडिक्ट करते हैं। अगर उनको 1,00,000 लड़कों का, 60,000, 50,000, 40,000 लड़कों का डेटा मिल जाए तो वो बहुत अच्छे तरीके से आपके कट ऑफ डिसाइड कर सकते हैं, और वो कट ऑफ 4-5 नंबर का ही वेरिएशन करेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो कट ऑफ ऐसे नहीं डिसाइड करते। चेयरमैन साहब ने रिजल्ट के बारे में कहा, उन्होंने कहा कि इसमें काफ़ी सारे प्रोसेस है, लाइक आंसर की के बारे में अभी काम चल रहा है, अगले स्टेज की काम चालू हो गया। उन्होंने कहा कि आंसर की में जो चीज़ें हैं वो लग चुकी हैं, आंसर की बन रहा है, आंसर की जल्द से जल्द प्रकाशित होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि उसके बाद आपत्ति दर्ज की जाएगी, फिर एक्सपर्ट के द्वारा टीम लगाकर जो आंसर आपत्ति वाले होंगे उनको क्लियर किया जाएगा, फिर आपका रिजल्ट आएगा, DV प्रोसेस होगी, DVPST होगी, फिर फाइनल रिजल्ट है। इन पूरे प्रक्रिया में उन्होंने कहा कि 3 से 4 महीने का टाइम लग सकता है, यानी अभी आपका सितंबर चलो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उनका टारगेट है दिसंबर तक वैकेंसी को पूरा करने का। और उन्होंने पूरा कहा है 4 महीने में, उन्होंने पूरा कहा ये ना कि प्री का रिजल्ट देने के लिए, उन्होंने कहा कि 4 महीने में आपका वैकेंसी पूरा हो जाएगा। तो रिजल्ट के चक्कर में और कट ऑफ के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए। मेरे हिसाब से अगर आपके अगर जनरल से हैं तो 100 क्वेश्चन के आसपास अगर बैठ रहा है तो आप फिजिकल करते रहिए, उसी हिसाब से OBC का जो है वो 95-96 क्वेश्चन के करीब में है, ठीक है, 93-94 ये मान के चलिए, और SC ST मान के चलिए आपका 80-85 के रेंज में, ये भी आप मान सकते हैं। गर्ल्स का कम जाएगा, गर्ल्स का 2-3 लिस्ट आता है हर बार की तरह, इस बार भी आएगा क्योंकि एक लिस्ट में भर्ती पूरी होने वाली नहीं है। नॉर्मलाइजेशन आपने समझ गया कैसे एवरेज स्कोर के हिसाब से बढ़ेगा, ऐसे कुछ नहीं बढ़ेगा। अगर TCS सारी चीज़ें करती है तो इस हिसाब से चीज़ें होने वाली है। बाकी और कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको, फिजिकल रिजल्ट सारी चीज़ें, भर्ती बोर्ड के चेयरमैन के बातों को मैंने बता दिया। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो उनके चेयरमैन का जो लेटेस्ट अभी 1 घंटे पहले ही इंटरव्यू था वो आ चुका है, आप देख सकते हैं। ये रहा अपडेट, होप करेंगे वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपके कितने नंबर है जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। थैंक यू।